ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हमें अपनी शक्तियां प्रदान करके बहुत शक्तिशाली बना दिया और अनेक दांव सिखा दिए कि तुम इस माया दुश्मन से कैसे लड़ो, कैसे इसको पराजित करो। हमें माया से घबराना नहीं है, केवल ये संकल्प रखना है कि मुझे माया को जीतना है। जो माया से पहले ही डर जाएंगे, आदि हार तो उनकी पहले ही हो गई। नो डाउट, माया भी बहुत प्रबल है। काम वासना ने चारों ओर संसार में घेराव डाला है। क्रोध, अहंकार, लोभ, ममता, ये सब मनुष्य को नचा रहे हैं। इन्होंने मनुष्य को अपने वश में कर लिया है। परंतु हमारा साथी कौन है? कौन हमारा उस्ताद है? न केवल वो हमें दांव सिखा रहा है, लेकिन बल भी प्रदान कर रहा है, साथ भी दे रहा है, इशारे भी कर रहा है रोज, ऐसे ऐसे इस माया शत्रु को जीतो। तो हम सभी उसकी छत्र छाया में रहते हुए माया से युद्ध करें। अकेले नहीं, अकेले होंगे तो हार जाएंगे। इसी को बाबा कहते हैं, माया का आह्वान करो, डरो नहीं। लेकिन कभी कभी आह्वान करने से माया आ सकती है, इसलिए आह्वान उन्हें करना है जो बहुत शक्तिशाली हो, जिन्होंने माया को बारंबार परास्त किया हो। अन्यथा माया से भी डिटैच रहें, विकारों से भी डिटैच रहें, ध्यान दें, कहीं भी हमारे चित्त में काम वासना छुपी हुई ना हो, अंदर चला करें, अंतर्मुखी हो, शांत में बैठें, अंदर को झांकें और अपने को स्मृति दिलाएं, मैं संपूर्ण पवित्र, मेरे अंदर संपूर्ण प्योरिटी की शक्ति, मेरा मूल स्वरूप ही संपूर्ण पावन। तो पवित्रता के संस्कार जागृत होते जाएंगे और यह पवित्रता जो लंबे काल से सबकॉन्शियस माइंड में समा गई है, ये समाप्त होती चलेगी। हमें माया को जीतना अवश्य है। बिल्कुल संकल्प में पावर भर दें सभी। दृढ़ता और हिम्मत दोनों की ही परम आवश्यकता होती है। माया के अनेक स्वरूप हमारे सामने आते हैं, उसका विज्ञान हमें होना ही चाहिए कि माया किस किस रूप से सामने आती है। कभी बहुत मीठी बनकर आ जाती है, फ्रेंड बनकर आ जाती है और ले जाती है साथ में। बड़ा लुभावना स्वरूप उसका होता है, हम उसे भी पहचान लें। हम ऐसे नॉलेजफुल बन जाएं, अनुभवी बन जाएं कि माया के हर स्वरूप को पहचान कर, उसकी हर चाल को समझ कर उसे विफल कर दें। तो आइए हम याद करें, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। अनेकों बार, करोड़ों बार मैंने इस माया को संपूर्ण रूप से जीता है। विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है। हमारी जीत का झंडा पहले ही बाबा ने लहरा दिया है। देखें दोनों चीजों को, तो हमारे अंदर माया को जीतने की संपूर्ण शक्ति है। जब किसी को अपनी जीत का संपूर्ण विश्वास होता है, तो युद्ध करने का उमंग उत्साह कुछ और हो जाता है। तो आइए माया को चुनौती दें कि आओ हम तुम्हें पुनः परास्त करें, तुम्हें सदा के लिए समाप्त कर दें, दो युग तक तुम्हारा नामो निशान भी न रहे। हम जितने पावरफुल बनेंगे, माया उतनी ही कमजोर होती जाएगी। तो युद्ध युद्ध है, चालू रखें, थके नहीं, हारे नहीं, अपनी शक्तियों को भूले नहीं।
आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और विजयी रतन हूँ। और परमधाम से बाबा की शक्तियाँ निरंतर मुझ में समा रही हैं। बहुत सुंदर अनुभूति के साथ आज का सारा दिन माया जीत स्थिति के अनुभव में व्यतीत करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।